Hello everyone. Good morning to all of you. So let's begin the lecture of the day. Last class में हम लोगों ने start किया था that was electric flux. And Gauss law. सो फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, दोनों पॉइंट आपने लर्न किया था. फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट ds, जहां पर ds एरिया, सरफेस एरिया एलिमेंट है. आप ई डॉट डी ए भी लिखेंगे तब भी चलेगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगी, आइदर वो डायरेक्टली देगा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, दोनों तरह से हम ई कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे जहां पर इस ई की वैल्यू को रखेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे. इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो सरफेस पे चल रहा होगा, तो इसकी जो हम लोग लिमिट लिखेंगे तो किसी एक एरिया से लेकर के दूसरे एरिया तक जाएगा, या फिर जीरो से लेकर के किसी एरिया तक लिखेंगे. तो पॉइंट इज कि ये एरिया में इंटीग्रेशन चलता है. तो ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन थी. अगर आपको क्लोज लूप पे करना है, सो ये तो किसी ओपन लूप पर होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस एरिया. लिमिट कैसे लिखते हैं? सरफेस एरिया, दैट मींस जो भी सरफेस दिया गया आप उस सरफेस एरिया पे इसको इंटीग्रेट करने वाले हो. नो, अगर आपका सरफेस क्लोज्ड हो, इफ सरफेस इज क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन हमारे पास वही रूल है, फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस. अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे क्लोज सरफेस पे, तो अगर आपका सरफेस ओपन है तो ओपन सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे, क्लोज्ड है तो क्लोज पे करेंगे, एज सिंपल एज एनीथिंग. नाउ सिंस ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है, तो एक लॉ है अपने पास जिसको हम लोग खास इंपॉर्टेंस देते हैं, गॉस लॉ. वो इसी इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करके अपने को बता देता है विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन इटसेल्फ, यानी इसकी न्यूमेरिकल, इसकी जो वैल्यू आने वाली वो पता चल जाती है विदाउट इंटीग्रेशन. इस क्लोज सरफेस को लिखना थोड़ा सा लेंदी जाता है, तो इसलिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं, दैट मींस दिस गोज टू इंटीग्रेशन, एक सर्कल ऐसा बना देंगे, रिंग बेसिकली. सो वो बताएगा कि जो भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो क्लोज्ड पर कर रहे हो, और ds सरफेस इसलिए क्लोज सरफेस पर है. नाउ ये तो अभी तो फ्लक्स है, इस पर कहीं गॉस नहीं आया है. अब गॉस को आप एंट्री दे सकते हो. So what is Gauss statement? Gauss law का जो statement है वो इसी का version है. He said कि अगर आप integration करते हो E dot ds का closed surface पर, तो इसकी value हम लोग directly बता सकते हैं just watching कि कितना charge inside है divided by epsilon naught. So ये अपना बन जाता है Gauss law. Now, आप देखो कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये वही लिखा है जो फ्लक्स की हम लोग बात कर रहे थे, और जो फ्लक्स की बात कर रहे थे तो फ्लक्स इज बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस. जो भी टोटल फील्ड ई है उसकी वजह से कितना फ्लक्स जा रहा है उसकी बात कर रहे थे. इसलिए गॉस लॉ में जो ई इन्वॉल्व होता है वो टोटल चार्जेस की वजह से उस लोकेशन पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. हाउएवर इसकी जो वैल्यू आती है उसके लिए जो राइट हैंड साइड में चार्ज यूज किया जाता है वो सरफेस के केवल इनसाइड वाला चार्ज यूज किया जाता है. और आपने लास्ट क्लास में देखा भी था कि कोई आउटसाइड का जो फील्ड लाइंस आता है वो फील्ड लाइंस इंटर करेगा, एग्जिट करेगा, तो नट सेल में उसका फ्लक्स जीरो रहता है. और फ्लक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, दिस इज मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. सो ये जो रेड कलर के ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. पहली बात इसको समझना है कि इसमें टर्म्स का क्या मीनिंग चल रहा है, और पर्टिकुलरली ये ई वैल्यू कहाँ पर होती है? डीएस लोकेशन पर होती है. दैट मीन्स यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो वाली फील्ड्स आएंगे जो सरफेस पे लाई कर रही थी, और किसकी वजह से? ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इंक्लूडिंग इनसाइड वन एज वेल एज आउटसाइड वन. वेयर एज राइट हैंड साइड में जो हमको चार्ज यूज करना होता है केवल और केवल इनक्लोज चार्ज होता है.
ये आपने लास्ट क्लास पे लर्न किया था, फिर मैंने आपको बताया गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पर्टिकुलरली दो तरह से करते हैं, एक तो फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सिमेट्रिकल केसेस में, दूसरा फ्लक्स को कैलकुलेट करने में, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो यही है। ऐसा हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स कैलकुलेशन के कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग कर रहे थे, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सर यस सर इन ग्रेविटेशन वी रूट माइनस 4 pi g एम इनक्लोज सर सो दैट माइनस साइन हियर विल नॉट कम here minus is not coming because वो plus और minus q पे छोड़ दिया जाता है। q positive होगा तो plus आएगा, q minus होगा तो negative आ जाएगा। जबकि m हमारा positive होता है तो उसके लिए minus अपने को लगाना पड़ा। minus कब आता है? जब field attractive होता है। तो m का field attractive होता है इसलिए minus आया। यहाँ पर minus q का field attractive होगा तो यहाँ पे minus q के साथ आ जाएगा। तो उसी फॉर्मूले को लिखा गया है, वहां पे माइनस स्पेसिफिकली शो करते हैं क्योंकि एम को प्लस माइनस नहीं दे सकते, केवल प्लस रहता है। तो इसमें क्यू इनक्लोज विल टेक केयर ऑफ साइन। एग्जांपल पर आते हैं, जैसे कि आपसे ऐसा बोलते हैं कि अपने पास एक सरफेस है, सरफेस है तो वो अब उसका आंसर बता देंगे। सपोज के लिए क्लोज नहीं है, ये ओपन सरफेस है। जब हम लोग सरफेस का नाम ले रहे हैं तो वो चार्ज सरफेस नहीं, वो बेसिकली एक सरफेस है। हाइपोथेटिकली आप उसको इमेजिन कर सकते हो या फिर कोई रियल वर्ल्ड का इमेजिन कर सकते हो। सो दैट इज जस्ट अ सरफेस। वी वांट टू सी कि कोई फील्ड लाइन को पेनेट्रेट करके निकलेगा, कितना निकलेगा उसको काउंट करना है। लेट्स से ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है और एक पॉइंट चार्ज आपने प्लेस किया है, काफी पॉपुलर सिंपल क्वेश्चन है, उसके सेंटर पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे Q, और इसकी रेडियस वगैरह आपको दे रखी कि इसकी रेडियस आ रहे है। आपसे पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास करने वाला है, दैट वी नीड टू काउंट। और आपको एक हेमिस्फेर क्यू का लोकेशन बताया गया है और आपसे पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू बताइए। सो मैं सॉल्व करता हूँ, आप आंसर भी दे सकते हो, इन केस यू कैन सॉल्व इट। अगर आपने एक बार ग्रेविटेशन में भी लर्न किया है तो फिर कैच कर सकते हो। इज द पॉइंट ऑन द सर्फेस, ये जो पॉइंट चार्ज है वो हेमिस्फीयर का जो बेस होता है ना सर्कल वाला, उसके सेंटर पे रखा हुआ है। सो दैट इज इन द सेंटर। ओके चलेगा, ऐसा आपको कंसर्न आ सकता है तो ठीक है, सरफेस पर भी है तब भी हम लोग कैलकुलेट करने की बात कर सकते हैं। चार्ज हमारा सरफेस पर हो सकता है, सरफेस के बाहर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम गॉस लॉ लगाएंगे तो जो गॉसियन सरफेस लेंगे उस पर चार्ज नहीं आना चाहिए। अगेन इन द पॉइंट। सो इसका मतलब है आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाई किया, तो आप इस वाले पूरे सरफेस को, इस वाले पूरे ज्योमेट्री को गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट चार्ज सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है। बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, तो आप इसको क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते, तो आपको कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। एक आंसर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आया है। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि असिमेट्री का यूज करते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन होगा फ्लक्स निकालने के लिए? सो हाउ यू विल स्टार्ट लाइक दिस, कि फ्लक्स का जो वैल्यू आएगा अगर आप निकालना स्टार्ट करते हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ई डॉट डी एस। पहले अपने दिमाग में ये पॉइंट रखो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में रिवाइज कराया, इसका एक पर्पज है। ये दो कहानियां हैं, बोथ आर डिफरेंट। ये जो लाइन डिवाइडिंग है ना, इसके ऊपर फ्लक्स की बात चल रही है,
और इस फ्लक्स का गॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि अगर अपने को क्लोज सरफेस चूज कर पाते हो तो इसको लगाना है। तो इसको हम तभी लगाएंगे जब हम एक क्लोज सरफेस चूज कर पाते हैं या फिर उसके बारे में हमसे पूछता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर गॉस लॉ अगर आप लगाने जाओगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि या फिर ऐसा बोलोगे कि आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको ये जो सरफेस चूज करना है उसके ऊपर पॉइंट चार्ज लाई कर रहा है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते कि अपने को ये परफॉर्म करना है। फिर आप क्या करो कि ये जो बेस वाला सरफेस है इससे फ्लक्स कैलकुलेट करो, उसके लिए ई डॉट डी एस करना है, फिर कर्व सरफेस के लिए ई डॉट डी एस करना है, तो टोटल हेमिस्फेरिकल सरफेस से निकल आएगा। अच्छा, बेस वाला काउंट करना है नहीं करना है वो क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा। तो अभी के लिए हम दोनों को काउंट कर ले रहे हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, जनरली क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई करेगा। हेमिस्फेरिकल सरफेस का मतलब है कर्व्ड सरफेस प्लस सर्कुलर सरफेस। अगर ऐसा बोलता है, कर्व्ड अकेले बोलेगा तो कर्व्ड का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस का कैलकुलेट, सर्कुलर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का भी कर सकते हैं। तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया कौन सा अपने को चाहिए। तो हम कर्व से भी निकालना चाहेंगे, सर्कुलर से भी निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। पहले सर्कुलर से बात कर लेते हैं, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस। सो अपने को क्या करना होगा, सर्कुलर सरफेस पे फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस करना होगा सर्कुलर सरफेस पे। एज सिंपल एज एनीथिंग। तो अपने को डीएस कहाँ चूज करना होगा, सर्कुलर सरफेस पे। सो लेट्स चूज अ डीएस ऑन द सर्कुलर सरफेस, कुछ ऐसा। कहीं भी अगर आप डीएस ऑप्ट करोगे तो डीएस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर जाएगी, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड, कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हो, आउटवर्ड्स जनरली हम लोग लेते हैं। तो ये अपना डीएस हो जाएगा, समझते हो। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन्स ड्रॉ करो। इस डीएस वाले एलिमेंट पर पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइन्स आएंगी, तो आप देखोगे कुछ ऐसी फील्ड जा रही होगी जो उस पॉइंट से या डीएस से पास हो रही होगी। कैन यू आइडेंटिफाई द एंगल बिटवीन दीज टू? तो कोई भी डीएस आप सर्कल पे अगर चूज करते हो, कोई भी डीएस सर्कल पे चूज करते हो, तो वहां से इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो सर्कल के टेंजेंशियली जाएगी, और जो डीएस होगा वो सर्कल के परपेंडिकुलर जाएगा सरफेस के। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 गारंटीड है। सिंस एंगल 90 गारंटीड है, तो फिर हम बोलेंगे कि इसकी जो वैल्यू बनने वाली है वो इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस थीटा कॉस 90, और ये सर्कल पे चले गया। कॉस 90 जीरो होता है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो जो सर्कुलर सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स इटसेल्फ। तो ये जीरो। अब हम कर्व सरफेस से पता करना चाहते हैं, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो आपको बोलना होगा कि आप ई डॉट डी एस कर्व पे लगाओ, और इसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। नो, अपने पास दोनों चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि हम इस कर्व सरफेस पे डीएस को लेते हैं। तो आप जब कभी डीएस लोगे कर्व सरफेस पे, तो इसकी डायरेक्शन आप देखोगे कि वो बहुत रैंडमली चल रही होगी सभी डायरेक्शन में। तो डीएस की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करना, फील्ड की डायरेक्शन के साथ पॉइंट आउट करना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है। बट अगर आप करते हो, सपोज कर लिए मैथमेटिकली जाते हो, तो हम लोग पहले मैथमेटिकली जा लेते हैं, क्योंकि ये चार्ज हमारा बहुत अच्छी लोकेशन पर है, सिमेट्रिकल लोकेशन पर है, तो हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक डीएस चूज किया, डीएस छोटा सा डीएस कहीं पर भी, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस का परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड जाएगा, एंड मोर ओवर उसी पॉइंट पर अपने को फील्ड चाहिए चार्ज की वजह से। तो चार्ज की वजह से उसी एलिमेंट पर हम जाएंगे और फील्ड को देखना चाहेंगे। बाय द वे, फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड जाएगी। ये जो स्टोरी हैपन हो रही है वो केवल एक लोकेशन पर नहीं होगी, बल्कि इंटायर कर्व सरफेस पर चल रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर ई और डी एस के बीच के एंगल को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं कितना एंगल आने वाला है। अब बोलोगे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो जीरो एंगल जाएगा। परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्लियर हो गया, और ये कर्व सरफेस पे चलना है, ठीक है।
नो कॉस 0 तो 1 हो गया। जब आप इसको सरफेस पे इंटीग्रेट करोगे, ई की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम जानते हैं कितनी होने वाली है, तो उसको रख सकते हैं। केस की वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सभी लोकेशन पर, और ये डीएस बनेगा। आप देखोगे के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल आएगा, और अपने को पूरा कर्व सरफेस कवर करना है। इफ यू कैरी विद दिस, तो आपको पता चलेगा कि ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, अपने को इंटीग्रेशन डीएस का करना था और डीएस में कर्व का करना था। तो कर्व सरफेस का अगर टोटल एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो आप पाओगे कि वो टोटल एरिया आ जाएगा। समेशन होता है, इंटीग्रेशन इज लाइक समेशन। सो अपने पास जो बच रहा है वो कुछ ऐसा है कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हो गई, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड थोड़ा प्रॉपर सरफेस एरिया। वी पीपल नो कि हाउ मच द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैर, उसको आप यहाँ पे यूज कर लीजिए। मैंने बहुत डिटेल में बेबी स्टेप्स लेकर के बताया है, ताकि आगे वाले क्वेश्चंस को आप चाहो तो इसी तरह के सारे स्टेप्स लेकर के कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे। जो कर्व सरफेस एरिया बनेगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, यू पीपल नो दैट। आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है दैट बिकम्स क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अपने को टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, फ्लक्स टोटल, तो आप बोलोगे इन दोनों को ऐड करना है, सर्कुलर को प्लस कर्व्ड को, सो दैट विल बिकम क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना सारा सॉल्व करने के बाद आपको एक आंसर मिल गया कि कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोगों ने गॉस लॉ नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास गॉसियन सरफेस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं था, तो अपने फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशंस को यूज करके लगाया। सपोज कर लीजिए अगर आप इसमें गॉस लॉ लगा के सॉल्व करना चाहते हैं, तब भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, या फिर सिमेट्री से यूज करना चाहते हैं सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम इतना टाइम नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। कभी अगर आपको सिमेट्री अदरवाइज चीजें नहीं समझेंगे, तो फ्लक्स को हम स्टेप वाइज इस तरह से सॉल्व करेंगे, सभी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। ओके आगे बढ़ते हैं और इसको सेकंड वे पे ट्रीट करते हैं। हाँ, ऊपर नीचे हेमिस्फेरिकल कंसीडर करके कर सकते हैं, वो सिमेट्री वाला पॉइंट है, उस सिमेट्री वाले पॉइंट से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो अपने पास दूसरा तरीका क्या होगा कि इसी पॉइंट चार्ज को कैलकुलेट करना था, ये पॉइंट चार्ज है, और ये आपका हेमिस्फेयर था। आप उस हेमिस्फीयर को कंप्लीट कर लो, एक बात तो गारंटीड होगी कि ऊपर वाले से जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले से भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चार्ज जो है वो सिमेट्री पे रखा हुआ है, आइडेंटिकल है, एक हेमिस्फीयर एग्जैक्टली ऊपर है, एग्जैक्टली एक डाउन साइड है। तो वी कैन से कि अगर ये 5-1 है 5-2 है, और दैट मीन्स अ डिफरेंट मैथड। सो वी कैन से कि जो टोटल फ्लक्स आएगा, अगर हमने स्फीयर चूज किया होता तो अपने पास आता है 5-1 + 5-2, और इसकी वैल्यू हम लोग गॉस लॉ से लगा सकते हैं। अब आप इस स्फीयर को गॉस लॉ गॉसियन सरफेस ले सकते हो, क्योंकि चार्ज उसके सरफेस पे नहीं है। सो इस पे चार्ज आएगा क्यू, फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर आप बोलोगे बाईसिमेट्री, बट वी नो बाईसिमेट्री कि जो 5-1 का मैग्नीट्यूड है वो 5-2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिकल केसेस हैं। सो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज कर लो, तो ये बन जाएगा 5-1 + 5-1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So 2-5-1 is equal to q upon epsilon naught. So 5-1 must be equal to q upon 2 epsilon naught. So curved surface से कितना आ जा रहा है? Curved surface से अपने को पता चल जा रहा है q upon 2 epsilon naught आ रहा है, just by using the symmetry. और flat surface से कितना जाएगा? Flat surface से आपको पता चल रहा है कि सारी field lines tangential जाएंगे, इसलिए वो zero हो जाएगा. So total आप ये बता दो answer directly by using symmetry. सो मोस्टली हम लोग सिमेट्री को फेवर करेंगे, और यहाँ से अपने को फ्लक्स मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा।
डन दिस, तो हम और भी इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस किए जा सकते हैं। एक स्लाइड वेरिएशन करके मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है बट लिटिल वेरिएशन। ऐसा बोलेगा कि आपके पास हेमिस्फीयर है। अच्छा, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है वो भी देख लेते हैं। इसमें जो आंसर आ रहा है ना, वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस स्फीयर का रेडियस कितना है। दैट मीन्स अगर आपने छोटा भी हेमिस्फीयर करो, बड़ा भी हेमिस्फीयर करो, इनफाइनाइटली लार्ज भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं जो फ्लक्स होता है ना, वो फील्ड लाइन को मेजर करता है। तो जितनी भी फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही होंगी, तो जो छोटा हेमिस्फीयर होगा उससे भी उतना फील्ड लाइंस जाएगा, और अगर आपने बड़ा स्फीयर लिया तो भी उतना ही फील्ड लाइंस जाएगा। सो फ्लक्स इज मेजर ऑफ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो अगर हम फील्ड लाइंस को विजुलाइज कर सकते हैं, तो कई बार आंसर हम डायरेक्टली दे सकते हैं। अगर आपने हेमिस्फीयर छोटा बनाया होता तब भी वो सेम अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस रहेंगी, बड़ा तब भी फील्ड लाइंस सेम रहेंगी। तो कई बार क्या करेगा वो, दो तीन हेमिस्फीयर बनाएगा और बोलेगा कि रेडियस ऐसा है, बड़ा है, ऐसा है, तो बताइए फ्लक्स में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं? आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो आर से इंडिपेंडेंट आ रहा है, और आंसर अपने आप बोल रहा है कि आर से इंडिपेंडेंट है, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो बेसिकली पॉइंट इज कि आर मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ बात है, लेट्स से कि आपसे बोलता है कि आपके पास हेमिस्फीयर है, तो हम रेडियस नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि रेडियस का कोई मीनिंग नहीं जा रहा है यहाँ पर। ये इसका सेंटर पॉइंट है, और आपने जो पॉइंट चार्ज रखा है वो सेंटर पर नहीं रखा है बल्कि सेंटर से नीचे रखा है किसी पॉइंट पर। सो डाउन साइड द सेंटर रखा हुआ है, यानी आउटसाइड द दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस, अगर आप कंप्लीटली सर्कल प्लस स्फीयर समझते हो। बट जितना भी आपने डाउन साइड रखा है ना, वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो ऐसा बोलेगा, इफ क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द सेंटर, तो जस्ट वर्ड का हम रिस्पेक्ट करेंगे, और जस्ट बस वर्ड का केवल इतना मीनिंग होगा कि इट्स स्लाइटली आउटसाइड। फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पजेस यू कैन टेक, यू कैन इग्नोर द सेपरेशन। सो अगर जहां भी अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत होगी तो सेपरेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ जस्ट आउटसाइड। फिर आपसे पूछता है फाइंड फ्लक्स नंबर वन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अभी भी अपने को कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये काउंट करना है। चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसका आंसर देने के लिए आप क्या बोलोगे कि ये जस्ट आउटसाइड है, और आप एक काम करो इसको कंप्लीट कर लो, वही पुराना वाला लॉजिक। जब आप इसको कंप्लीट स्फीयर बना दोगे तो आप पाओगे कि चार्ज ऑलमोस्ट सेंटर पे रखा हुआ, सिमेट्रिकल रखा हुआ ऑलमोस्ट। सो जितना फ्लक्स फील्ड लाइंस ऊपर से पास करेगा उतना ही फील्ड लाइंस डाउन से पास करेगा, और फिर दोनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल आपको पता होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब कर्व सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होगा दैट विल बिकम हाफ ऑफ द टोटल, टोटल इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट विल रिमेन द सेम आंसर। तो जो आंसर हमने पहले निकाला था कर्व सर्फिस का, अभी भी वही आ जाएगा। तो वो जस्ट मतलब ऑलमोस्ट दिया, लेकिन जस्ट का बाहर है ये क्लियर है, सरफेस पे नहीं है ये क्लियर है। दूसरा थ्रो इंटायर सरफेस का मीनिंग क्या मैं क्लियर कर देता हूँ। सर्कुलर सरफेस प्लस कर्व सरफेस। सो हाउ मच द फ्लक्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दी इंटायर वन विच इज सर्कुलर प्लस कर्व टुगेदर। ओके, गेटिंग सम आंसर्स।
थ्रू दिस इंटायर सेंटर आपको निकालना होगा। जब आप इंटायर सेंटर पे जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, उस समय आप गॉस लॉ लगा लो, तो आप देखोगे कि आप इसको गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, जो आपको ओरिजिनल दिया गया था। क्या वो गॉसियन सरफेस, पर क्या वो गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस का काम कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा। तो अपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्लोज सरफेस ई डॉट डीएस चाहिए। ये अपने को टोटल आंसर देने वाला है। हम बताएंगे ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने डिसाइड किया है, हाउ मच द चार्ज इनसाइड इज। नाउ ये जो चार्ज है ये जस्ट आउटसाइड है। सॉरी, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है। तो इनसाइड चार्ज अपने को कितना मिलेगा? जीरो। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। सो फ्लक्स की वैल्यू अपने को जीरो मिल जाएगी फॉर द इंटायर केस। फॉर द कर्व केस हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से। फिर तीसरा आपसे पूछ सकता है, थ्रो सर्कुलर सरफेस। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग इन पॉसिबिलिटी को हैंडल कर ले रहे हैं। इसके बाद आपके डाउट्स को मैं रीड करूंगा। सो आप पहले इसका सर्कुलर वाले का आंसर दे दें। सर्कुलर वाले का आंसर आप दे रहे हो माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने इंटायर का निकाल रखा है, कर्व्ड का निकाल रखा है, तो वहां से सर्कुलर का हम लोग इजिली निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है फ्लक्स इज काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइंस को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला जो नंबर वाइज हैंडल कर सकते हैं। सो कैन वी, जो फ्लक्स आएगा सर्कुलर सरफेस से, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल फ्लक्स माइनस फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। इस तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। टोटल फ्लक्स कितना है अपना? जीरो माइनस कर्व सरफेस से कितना था? क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो हाउ मच द फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर सरफेसेस? माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आपने नोट्स में नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी भी कर सकते हो। अगर फ्लक्स इंटर करता है किसी सरफेस से तो निगेटिव आता है, एग्जिट करता है तो पॉजिटिव आता है। अब इसको फील्ड लाइन से हम लोग वॉच करेंगे। फील्ड लाइन्स हमारा सपोर्ट करने वाले हैं। फील्ड लाइन्स को अगर आप देखोगे तो अगर चार्ज हमारा यहाँ पर है तो फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर्ड है तो फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड जा रहे होते हैं। हाँ, फील्ड लाइन्स इधर भी जाएंगे ऑफ कोर्स। फील्ड लाइन्स तो हर लोकेशन पे रहेंगे, बट हमारा इंटरेस्ट जहाँ पर है वो हम उस पर फोकस करेंगे। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि अगर क्यू से कोई भी इमेजिनरी लाइन्स स्टार्ट करते हैं जो कि कंटिन्यूअस चलने वाले हैं, तो पहले वो सर्कुलर सरफेस से इंटर करने वाले हैं, और अगर उसने सर्कुलर सरफेस से इंटर किया तो उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा कर्व सरफेस से। सो इंटरिंग एंट्री इज ऑन सर्कुलर सरफेस, हेंस सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स निगेटिव आएगा। सर्कुलर सरफेस का फ्लक्स निगेटिव आएगा। एग्जिटेड फ्रॉम द कर्व सरफेस, इसलिए कर्व सरफेस से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। फिर जितना फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइंस एग्जिट करेगा, क्योंकि कोई ऐसा फील्ड लाइन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, स्ट्रेट स्ट्रेट मूविंग लाइंस, जो अगर इंटर करते हैं कर्व सर्कुलर सरफेस से तो बाहर ना निकले कर्व सरफेस से। इसका मतलब है फ्लक्स का अमाउंट जितना इंटर करेगा उतना ही अमाउंट बाहर जाएगा। दैट मीन्स अगर प्लस माइनस को आप हटा दो तो मैग्नीट्यूड जो होगा, नंबर जो होगा वो बराबर आएगा। तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी होगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी होगा। ये माइनस साइन बोल रहा होगा कि ये इंटर कर रहा है, और इस पे प्लस साइन जो है वो बोल रहा होगा कि वो एग्जिट कर रहा है। दैट्स हाउ द प्लस एंड माइनस हैव अ मीनिंग हेयर, और फिर लाइन से हम उसको रिलेट कर लेते हैं। फिर टोटल फ्लक्स अगर आपको जानना है, तो आपने देखा कि जितना फील्ड लाइन इंटर कर रहा है उतना ही फील्ड लाइन एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब है देयर इज नो नट सेल फ्लक्स पासिंग थ्रू। सो टोटल फ्लक्स इंटायर सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो जो हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेट किया सिमिट्री को यूज करके, उसको हम लोग फील्ड लाइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों पॉइंट्स पता चलते हैं तीनों केसेस का, तो फिर हम इसके और भी वेरिएशंस को भी इजिली हैंडल कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं।
इस पे कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो, एक बार मैं आपके डाउट्स को रीड कर लेता हूँ. यू रोट समथिंग, इट वॉज लाइक, बट इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर विद क्यू एज सेंटर, देन द गिवन कर्व सरफेस वुड रिप्रेजेंट लेस एरिया, द एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सो फ्लक्स वुड बी. या यू आर राइट टू सम एक्सटेंट, बट टर्म कॉल्ड जस्ट. सो दिस जस्ट सेज कि वो जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस. सो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर रहे हैं तो जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी वेरी वेरी माइनर एंड इट विल बी इग्नोरेबल. अगर ये जस्ट वर्ड नहीं यूज करता तो फिर अपने को देखना पड़ता कि कितना डिफरेंस जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को आंसर्स करने पड़ते हैं. ऑफ कोर्स दैट वुड हैव बीन लिटिल बिट कैलकुलेटिव और एक डिफरेंट आंसर होगा, तो जनरली जस्ट आउटसाइड बोलेगा. तो जस्ट आउटसाइड ने क्या चेंज लाया, आप देखो ना, जस्ट आउटसाइड ने जो चेंज लाया वो ये कि जो प्लेन सरफेस से फ्लक्स पहले जीरो था अब वो नॉन जीरो हो गया, क्योंकि पहले सारी फील्ड लाइन्स उसके टेंजेंशियली जा रही थी, अब उसको पेनेट्रेट करके आउटसाइड इनसाइड जा रहे हैं. सो दैट इज द चेंज इट ब्राउट. और उस चेंज की वजह से कई सारे चेंजेस है, जैसे टोटल फ्लक्स हमारा जीरो हो गया और कर्व सरफेस का फ्लक्स अभी भी वही रहा और सर्कुलर का फ्लक्स इक्वल टू द कर्व सरफेस हो गया. मेरे को फीडबैक मिल जाएगा कि आपने कितना इसको डाइजेस्ट किया है जस्ट बाय कंसीडरिंग अनदर एग्जांपल. अगेन आई एम टेकिंग वेरी सिमिलर एग्जांपल. अगेन अपने पास एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इसका ये सेंटर है. इस बार चार्ज को आप स्लाइटली इनसाइड रखते हो, जस्ट इनसाइड. सो इफ क्यू इज जस्ट इनसाइड द सेंटर, और जस्ट अबव द सेंटर ऐसा बोल सकते हैं. इनसाइड का मतलब आप समझ रहे हो, फिगर में मैंने बना दिए. फाइंड देन फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कोर्स. फर्स्ट कर्व्स थ्रू कर्व सरफेस, कैन यू आंसर कि कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा. अगेन इट इज जस्ट आउटवर्ड्स और जस्ट अपवर्ड्स फ्रॉम द बेस. सो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपने को क्या करना है. टेक अगेन सिमेट्रिकल एस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत छोटा सा है, निग्लिजिबल है, वो सारे आर्गुमेंट दे देंगे और बोलेंगे अगर आपने पूरा स्फीयर बनाया होता तो बराबर बराबर जाता, फिर इक्वल इक्वल है. सो अब इक्वल अमाउंट का चला जाएगा रफली ये बोल देंगे. सो ये फ्लक्स की वैल्यू, लेट से इस फ्लक्स का नाम हम फाइव वन देते हैं, तो फाइव वन बाहर जा रहा होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा. क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का हाफ वर्जन आएगा. अगर चार्ज को माइनस क्यू बोलेगा तो फिर माइनस क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन बोलेंगे, एज सिंपल एज एनीथिंग. सो ये कर्व सरफेस का हमारा आंसर ये आ जाएगा. फिर आपसे बोल सकता है सेकंड पार्ट में सर्कुलर सरफेस से हाउ मच द फ्लक्स विल पास थ्रू द सर्कुलर सरफेस, दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. और इनफैक्ट यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. एक आंसर q अपॉन टू एप्सिलॉन बताया जा रहा है, तो अब यहाँ पर साइन भी जस्टिफाई कर सकते हो, अमाउंट भी जस्टिफाई कर सकते हो. सो सर्फ तो अगर सर्कुलर सरफेस से निकालना है तो पहले आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल फ्लक्स. जब आप टोटल निकालोगे तो गॉस लॉ लगा सकते हो, आप इसको गॉसियन सरफेस ले सकते हो क्योंकि फ्लक्स चार्ज आपका इनसाइड है, तो टोटल जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो कर्व्ड प्लस सर्कुलर फ्लैट वाला जो पोर्शन है दोनों को मिला करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाने वाला है, और कर्व्ड से कितना चला गया हाफ, तो बाकी हाफ कहाँ से जाएगा, सर्कुलर से जाएगा. सो जो सर्कुलर से फ्लक्स जाएगा वो भी बाहर जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. फील्ड लाइंस को प्लस का आएगा,
गुड, प्लस का आएगा क्योंकि फील्ड लाइंस आप देखोगे तो फील्ड लाइंस बाहर जा रहे होंगे, और जितना फील्ड लाइंस फ्लैट से निकल रहा होगा उतना ही सर्कुलर से जाएगा, बता सकते हैं। सो जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू टेस्ट यू कि फ्लो जानते हो कब लगा सकते हैं, कि फ्लक्स का फील्ड लाइंस इमेजिन कर पाते हो, उन सब पॉइंट को टेस्ट करने के लिए जनरली वो यंत्र में पूछता रहेगा कि टोटल बताइए, इन फ्लैट से बताइए, सर्कुलर कर्व सरफेस से बताइए, हम पता कर सकते हैं। जनरली हेमिस्फेरिकल केस में यही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो सेंटर पे एग्जैक्टली रखेगा, या सेंटर के जस्ट अबव रखेगा, या जस्ट बिलो रखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लोकेशन से जहाँ पे रखा जा सकता है, बट वो अपने लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो जितना ड्यूएबल रहेगा वो उनमें से ये पॉपुलर लोकेशन है। और भी वेरिएशन आ सकते हैं, सपोज इसके बाद जो दूसरा पॉपुलर यूज करता है वो क्यूब का यूज करता है, तो एक एग्जांपल में हम लोग क्यूब को भी समझ लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्यूब है। अच्छा सर, क्यूब है, क्यूब लेगा, वर्जन मीनिंग क्या है, क्यूबॉइड लेने से फिर सिमेट्री इश्यू बनाएगी, तो वो क्यूब लेगा और आपसे बोलेगा कि अगर ये क्यूब है और एक पॉइंट चार्ज हमने को रखना है, तो ये कॉर्नर पॉइंट है जिसको हम लोग चूज कर रहे हैं, और एक क्यू चार्ज कॉर्नर पॉइंट पे रखा हुआ है। एक बहुत सिंपल केस हो जाएगा, उसके सेंटर पे रखेगा, तो हालांकि पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल है फिर भी, सपोज कर लीजिए उसके सेंटर पे रखा हुआ है, ये बेसिक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। इसकी साइड ए, अल्टीमेटली आप देखोगे साइड मैटर नहीं करेगी, वो चाहे ए हो या फिर 2A हो या 4A हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फील्ड लाइंस जितना एक क्यूब से निकलेगा उतना दूसरे क्यूब से भी निकलेगा, कोई भी क्यूब आप कंसीडर करो, क्यूब क्लोज्ड होता है इसलिए। सो आपसे पूछेगा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू बॉटम फेस इफ क्यू इज एट द सेंटर। सो अगर क्यू को सेंटर पे रखा गया है तो ये जो बॉटम वाला फेस है इसे कितना फ्लक्स पास करेगा, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। सो आप देखोगे कि अगर आप सिमेट्री यूज करोगे बहुत जल्दी आंसर जाएगा, मैथमेटिक्स यूज करोगे बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स यूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक डीएस लेना पड़ेगा जो कि डाउनसाइड जाएगा, फिर इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा जो कि ई बनाएगा, इनके बीच के एंगल वैरी करेगा, ई डॉट डीएस परफॉर्म करोगे ई वैरी करेगा, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी जाएगी। बट वी नो थिंग्स, व्हाट वी नो कि अगर हमने इसको गॉसियन सर्फेस लिया होता पूरा क्यूब का, सो टोटल फ्लक्स क्यूब से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे गॉसियन सर्फेस लेने से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, फिर चार्ज हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, दैट मींस ऑल द फेसेस आर इक्वली लाइकली, सभी बराबर तरह से बिहेव करते हैं, तो फील्ड लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे तो जितना एक फेस को पेनेट्रेट करेगा उतना दूसरे फेस को भी पेनेट्रेट करेगा, मीनिंग कि सभी का अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस बराबर जाएगा। सो बेस से या बॉटम से कितना जा रहा होगा, बॉटम फेस को अगर आप बात करोगे सो इट्स गोइंग टू बी 1/6, टोटल नंबर ऑफ फेस 6 होते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा, आंसर हो गया। So this is going to have 1/6 of the total of it. Mind it ki apna equation challenging ho jayega agar isko hum center se thoda sa displace kar dete hain. To sabhi face equally condition nahi de rahe honge. To fir apne ko mathematics ka help lena padega. I mean like integration ka help lena padega. Aur agar perform kar paate hain to answer bata payenge. To wo generally aapse symmetrical cases puchega, hum bata sakte hain. क्विकली इसके कुछ और वेरिएशंस को देख लेते हैं। ये सारा कुछ आपसे ग्रेविटेशन में भी पूछा जा सकता है। लेट्स से क्यूब है और आपसे बोला जाता है कि इस कॉर्नर पर हमने क्यू चार्ज को रखा हुआ है, कॉर्नर पर रखा हुआ है, और आपसे पूछता है फाइंड फ्लक्स थ्रू
हाँ, इस पर भी कई सारे सरफेसेस से पूछा जा सकता है. पहला मैं पूछ लेता हूँ जिसका आप आंसर दे रहे हो. थ्रू इंटायर क्यूब, इंटायर आप अच्छा 8 दे रहे हो. ओके, बॉटम वाला दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, कोई भी. मैं इंटायर क्यूब से पूछ रहा हूँ, आपको पहले इसका आंसर देना है कि ये जो इंटायर क्यूब है, दैट मीन्स ऑल द 6 फेसेस कंसीडर, हाउ मच द फ्लक्स विल बी पासिंग इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर. चार्ज इज एट कॉर्नर. ठीक है, कैसे आंसर करेंगे? तो आप देखोगे कि क्या इस क्यूब को हम लोग गॉसियन सरफेस चूज कर सकते हैं. आप बोलोगे इशू आ जाएगा. क्या इशू आ जाएगा? चार्ज जो सरफेस पे लाई कर रहा है. सिंस चार्ज जो सरफेस पे लाई कर रहा है, तो हम इसको इनसाइड आउटसाइड क्या कंसिडर करें अपने को नहीं पता चलने वाला है. और अगर अपने को पता नहीं चलने वाला है तो स्टोरी में तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगा. तो इसलिए हम इसको गॉस सरफेस नहीं ले सकते हैं. नहीं ले सकते हैं तो कुछ और सोचना पड़ेगा, फिर हम वो सोच सकते हैं. सिमेट्री कैसा दिखना होगा अपने को इस क्यूब से पता करना है. क्या नंबर ऑफ क्यूब्स को, वॉइस इज ब्रेकिंग क्रैकिंग, जस्ट 1 मिनट, लेट मी मेक सम चेंजेस इफ पॉसिबल. व्हाट अबाउट नाउ? अभी ऑडिबल है क्या? और अगर इश्यूज रिजॉल्व हुआ तो मैं इसको एक्सप्लेन करता. ओके, यस सर, इट्स फाइन. चलेगा. अपने को क्या करना है कि जब कभी कोई आपको सिचुएशन दिया जाए, तो यू ट्राई टू मेक सम सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, एंड देन यूज की टोटल का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाने वाला है. यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर हम इसको सिमेट्रिकल बनाना चाहें इस क्यूब के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं. कैसे ऑप्शंस हो सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा क्यूब प्लेस करते हैं यहाँ पर, रफली आई एम ड्राइंग अ रफ पिक्चर, यू कैन मेक अ गुड वन, आई एम जस्ट मेकिंग फॉर यू टू विजुलाइज थिंग्स. अपने पास अभी दो क्यूब्स हो जाएंगे, और ये अभी सिमेट्रिकल बहुत हद तक नहीं है. फिर आप क्या करो, इसके आगे जा करके एक क्यूब लगा दो, आइडेंटिकल साइज का लगाने का अपने को ऐसा, और सिमिलर टाइप का क्यूब आप इधर प्रोड्यूस करा दो. इमेजिनेशन में आ जाएगा. आप देखो कि आपके पास 4 क्यूब्स हैं, और इन 4 क्यूब्स की वजह से ये पॉइंट चार्ज जो है वो 4 क्यूब के टॉप सरफेस के सेंटर पे जा रहे हैं, जा रहे हैं. अब एग्जैक्टली 4 क्यूब्स इसके ऊपर इमेजिन करो, जस्ट अबव इट. तो अगर एग्जैक्टली 4 क्यूब्स इसके जस्ट अबव हम लोग इमेजिन करेंगे, तो वन थिंग विल बी गारंटीड कि ये जो क्यू चार्ज है वो एक बड़े से क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा. अगर लेंथ एल था, तो जो बड़ा सा क्यूब बनेगा वो 2L लेंथ का बनेगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा, इधर भी जाएगा. यू विल विजुलाइज कि अगर आपने 8 नंबर ऑफ क्यूब्स कंसिडर किए, तो 8 क्यूब्स में ये जो चार्ज है दैट विल बी एट द सेंटर सिमेट्रिकली लोकेटेड. और वो जो बड़ा वाला क्यूब है जो कि 8 स्मॉल क्यूब से मिलकर के बना हुआ है, उसको अगर गॉसियन सर्फेस चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर, उसके सर्फेस पर नहीं है. तो उससे टोटल कितना जा रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फिर हम देखेंगे कि क्या 8 क्यूब्स इक्वली पोजीशंस पर है, सिमेट्रिकली लोकेटेड है. यस, तो हर एक क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1/8. तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/8 ऑफ द टोटल. इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी क्यू, या फाई इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द टोटल. टोटल इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
ये 1/8 कहाँ से आया, ये अपने को समझना था कि ये जो 1/8 आया वो बड़े क्यूब को क्रिएट करने से आया है। तो ये फिगर को मैं इरेज कर देता हूँ पहले, सो दैट अपने पास स्पेस रहे और भी क्वेश्चन को इसी में मैं ऐड कर सकूँ, वो आपने समझ लिया। सो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/8 ऑफ द टोटल, सो विच इज बेसिकली क्यू अपॉन एट। एग्जाम में आ चुका है और बहुत पॉपुलर है। सो अब आपको ये इमेजिनेशन में रखना है कि इसको हम बड़े क्यूब पॉइंट बना सकते हैं, 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1/8 हो जाएगा। बी पार्ट पर आते हैं। फ्लक्स थ्रो बॉटम फेस, अपने को किसी भी फेस से फ्लक्स पूछा जा सकता है, बॉटम से, टॉप से, फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से, जो भी है, सभी को हमको निकालना आना चाहिए। अब देखोगे हमको सभी को निकालना आ जाएगा। अब अपने को बॉटम फेस, सो बॉटम फेस के लिए आप 24 का फैक्टर बोल रहे हो। सो क्या कर सकते हो बॉटम के लिए, आपके पास ऑप्शन है। अब आप देखोगे कि इससे जाने वाला फ्लक्स है, आप इसी को विजुलाइज कर लो या बड़े वाले को विजुलाइज कर लो, दोनों में काम चलेगा। इसका जो फ्लक्स लाइन फील्ड लाइन जा रहा होगा वो कौन कौन से फेसेस से पास कर रहा होगा हम लोग देख सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर से ऐसा फील्ड लाइन जाएगा, इस वाले फेस से ऐसा फील्ड लाइन जाएगा, और कुछ फील्ड लाइन जो इनसाइड से जा रहे होंगे तो इस वाले से पेनेट्रेट करके निकल रहे होंगे। और फील्ड लाइंस जो इधर से जा रहे होंगे वो इधर से पेनेट्रेट करके निकल रहे होंगे। सिमिलरली एक बैक साइड फेस होगा, वहां से पेनेट्रेट करके निकल रहे होंगे। आप देखोगे कि इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स पास कर रहा होगा वो 3 फेसेस से पास कर रहा होगा। मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ, एक तो इससे बाहर निकल रहा होगा, एक इससे बाहर निकल रहा होगा, और एक ये जो बैक साइड वाला है ना उससे आउटसाइड जा रहा होगा। सो अगर वो 3 फेसेस आपको समझ में आ रहे हैं तो अपना काम हो रहा है काफी हद तक। बैक साइड फेस, ये फेस, ये फेस। आप पाओगे कि ये तीनों फेसेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं इस चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हैं, तो तीनों से बराबर अमाउंट का फ्लक्स जाएगा, इक्वल अमाउंट का जाएगा। अब ये इक्वल कितना होगा तो आप देखो कि टॉप से अगर आप मेजर करना चाहो तो टॉप से कितना जाएगा, टॉप से 0 जाएगा, क्योंकि ये सारी की फील्ड लाइंस टेंजेंशियली जाएंगी। तो टॉप से 0 जाएगा, फ्रंट से 0 जाएगा, बैक साइड से 0 जाएगा, तो इसका मतलब Q/8 एप्सिलॉन0 जो था वो इन तीनों से जा रहा है। या फिर आप ऐसा करो कि बिगर क्यूब को इमेजिन करो, बिगर क्यूब में आप देखोगे जो टॉप सरफेस है और ये फ्रंट है और ये बगल वाला सरफेस है, ये क्यूब्स में टच में आ जाता है, लेकिन बाहर से केवल अपने को ये 3 फेस नजर आते हैं। तो बड़े क्यूब में केवल ये 3 फेसेस नजर आते हैं, इसका मतलब सारा का सारा फ्लक्स इसी से जा रहा है। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो फ्लक्स वैल्यू आएगी वो 1/3 ऑफ का अमाउंट आएगा, 1/3 ऑफ इसका आएगा। अगर ये 1/3 आ रहा है तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन0। और दूसरा तरीका क्या है, बिगर क्यूब जो आपने इमेजिन किया था उसमें देखो कि इस बॉटम जैसे कितने फेसेस आ रहे हैं, तो एक क्यूब के 3 फेसेस हैं, 8 क्यूब के कितने फेसेस होंगे, 24, 24 बराबर बराबर बांट रहा होगा, 1/24 हो जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। और अगर आपसे टॉप फेस के बारे में पूछते हैं तो मैं पहले आपको टॉप ही पूछ सकता था, टॉप फेस, तो आप बोलोगे टॉप फेस से फ्लक्स कितना, 0, क्योंकि ई डॉट डी एस 0 हो जाए। तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज गोइंग टू बी ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री विच विल मेक 0। टेंजेंशियल फील्ड लाइंस हैं इसलिए वो 0 हो जाएगा। सो आपको टोटल कैलकुलेट कर ले, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो क्या टोटल मैच कर रहे हैं। तो जो व्हाइट वाला फेस है, टॉप, फ्रंट और इधर साइड वाला, इन सबसे 0 जाएगा, क्योंकि सबसे फील्ड टेंजेंशियली निकल के जाएगी, फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगे, इंटर पेनेट्रेट नहीं करेंगे, और जो मैंने ब्लैक से शेड किए हैं उनमें बराबर जाएगा, तो उसका सबका कंट्रीब्यूशन इतना इतना हो जाएगा। तो आपसे जिस शेडेड वाले से ये आंसर है, अनशेडेड वाले से ये आंसर है, तो ये जो आंसर है शेडेड केसेस के लिए। सभी शेडेड फेसेस से इतना 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 जाएगा, 3 शेडेड फेसेस, और ये जो है अनशेडेड फेसेस है। कैन वी से कि आपको सभी से पास होने वाला फ्लक्स का अमाउंट पता चल गया, सभी से बता सकते, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो,
और जो भी हो या फिर इंटायर क्यूब हो वहां से भी बता सकता हूँ। ये 3D विजुलाइजेशन का है, इनकेस अगर आपको इशू आ रहा हो कोई पूछ लेना है, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा और भी कुछ डिफरेंट वे पे ट्राई करूंगा, और अगर आपको समझ में आ गया, विजुलाइज हो गया, दैट्स डन। पॉइंट चार्ज है, फील्ड लाइंस हैं, जाएंगे इंटरसेक्ट करेंगे, किस तरह से जाएंगे वो आप इमेजिन कर सकते हो। अगर आपको इमेजिन करने में अभी भी इशू आएगा तो एक ट्राई कर सकते हो कि जिस रूम पर आप बैठे हो उस रूम के किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रख के देखो, वो ऑलमोस्ट क्यूब कंसिडर कर लो इसको, और फिर देखो कि जो जिस जिस कॉर्नर पे आप रख रहे हो उससे टच होने वाले 3 फेसेस पर जितनी भी फील्ड लाइंस जाएंगी सब टेंजेंट होकर के जाएंगे, बाकी फील्ड लाइंस अंदर से आएंगी और बाकी जो 3 फेसेस बचेंगे उनको कट करके बाहर निकल रही होंगी, और बाकी जो 3 फेसेस है अगर क्यूब है तो होंगे तो सभी का बराबर बराबर रोल आएगा। तो क्या रिजल्ट निकला, क्यू से टच होने वाले तीनों फेसेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, और बाकी जो 3 दूर वाले फेसेस हैं उससे बराबर बराबर हो जाएगा, जो कि Q/8 का 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, फिर से वही वही स्टोरी कर सकता है, इस पॉइंट चार्ज को स्लाइटली अपसाइड कर सकता है, स्लाइटली इनसाइड कर सकता है। तो स्लाइटली आउटसाइड करेंगे, स्लाइटली इनसाइड करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं फर्क पड़ेगा वो आप देख सकते हो, क्या फर्क नहीं पड़ेगा उस पर देखते हैं। अगर आपने स्लाइटली आउटसाइड किया, स्लाइटली इनसाइड किया, तो हम बड़ा क्यूब अभी भी डिजाइन कर सकते हैं, बड़े क्यूब के लिए ये ऑलमोस्ट सेंटर पे लाई करेगा, जस्ट वाले केस के लिए ऑलमोस्ट सेंटर पे लाई करेगा, तो टोटल फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 अभी भी रहेगा। देन आफ्टर, अच्छा ये जो 1/8 जा रहा होगा वो कहाँ से पास हो रहा होगा, ये जो 3 ब्लैक कलर से शेड किए गए हैं बड़े क्यूब के लिए यही आउटर फेसेस बनेंगे, तो इससे 1/24 तो जाएगा ही जाएगा, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो एसोसिएटेड 3 फेसेस थे जहां से 0 हो जा रहा था, अब वो 0 नहीं होगा, तो अगर आपने पॉइंट चार्ज बाहर रखा तो फील्ड लाइंस को पेनेट्रेट करके इनसाइड जाने लगेंगी, और टोटल का हमारा मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मे बी लाइक टोटल हमारा चेंज हो जाएगा। टोटल इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि वो पॉइंट चार्ज या साइड चला जाएगा या फिर आउटसाइड चला जाएगा। सो ये जरूर कह सकते हैं क्या चेंज नहीं होगा उसमें से, कि जो बड़ा सा क्यूब आप इमेजिन करोगे ना, उस बड़े से क्यूब में से ये जो 3 फेसेस हैं वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, तो फिर ये Q/24 वाला अपना रिटेन रह जाएगा। टोटल के बारे में क्योंकि टोटल गॉस लॉ को भी वैलिड करेगा, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये चार्ज हमारा इनसाइड गया तो फिर Q/εr टोटल हो जाएगा, चार्ज आउटसाइड गया तो फिर टोटल हमारा 0 हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर ये टॉप वाले और ये जो 3 फेसेस थे उनका अपना फ्लक्स चेंज होता रहेगा। 3 डायमेंशनल है तो थोड़ा सा इश्यू बन रहा होगा, तो जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स एक एग्जांपल कैच कर लेते हैं और आपसे आंसर पूछ लेते हैं, आइदर इनसाइड का और आउटसाइड का, एक समझ में आएगा तो दूसरा आप इजीली रिलेट कर ले जाओगे। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट द केस व्हिच इज जस्ट आउटसाइड, और आपको पता करना है फाइंड फ्लक्स थ्रू नंबर 1 इंटायर क्यूब और सिंपली क्यूब। सो हाउ मच द फ्लक्स फ्रॉम क्यूब इज गोइंग टू बी इन दिस केस जस्ट आउटसाइड, Q is just outside so, अब आप इसको खुद गॉसियन सरफेस ले सकते हो, ये क्लोज्ड है, अच्छा सरफेस है, गॉसियन बन जाएगा क्योंकि चार्ज उसके सरफेस पे नहीं है। सो टोटल की वैल्यू या क्यूब की जो वैल्यू है वो अपने को 0 मिल जा रही है। कैसे मिल गया 0, तो लिखते हैं कि ये इंटीग्रेशन आएगा, E.ds आएगा, E.ds को फिर हम क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड कितना है, 0 है। गुड, फिर आपसे बोल जाता है कि थ्रू टॉप फेस, हाँ आप लोगों ने सही आंसर दिया 0, दैट्स गुड पॉइंट। अब आप टॉप फेस का एक बार बता, टॉप फेस से कितना जाने वाला है ऐसी सिचुएशन में, तो फिर अपना काम कंप्लीट हो जा रहा है।
ये जस्ट आउटसाइड है। जस्ट आउटसाइड है इसको। ओके आई गॉट कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन आ गया। सिमेट्रिकली जस्ट आउटसाइड क्या है? जब हम लोग जस्ट आउटसाइड बोलेंगे कॉर्नर से, सो इट विल बी सिमेट्रिकली जस्ट आउटसाइड। इसका मतलब ये टॉप के लिए बाइस्ड नहीं रहेगा, ऑल द थ्री फेसेस के लिए सिमेट्रिकली रहेगा। हाँ डायगनली बाहर, जो बॉडी डायगनल होगा ना उसके अकॉर्डिंगली वो बाहर जाएगा। तो जब हम ऐसा लूज स्टेटमेंट बोलते हैं तो उसका मतलब सिमेट्रिकल केस के लिए। जस्ट आउटसाइड मीन्स जस्ट आउटसाइड सिमेट्रिकली फ्रॉम द कॉर्नर, वरना फिर वो एक साइड हो जाएगा तो फिर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या बोलोगे, सिंस ये जस्ट आउटसाइड है, टोटल फ्लक्स आपको पता चल गया वो कितना जाने वाला है, जीरो। तो अपने पास ये तो पता है कि यहाँ पे सिमेट्री प्रिवेल करने वाली है, थ्री फेसेस एक जैसे बिहेव करेंगे, ये वाला फेस, बॉटम वाला फेस और ये बैक साइड वाला फेस एक साथ बिहेव करेंगे, इनका फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। अब आप बड़े से देख लीजिए, बड़े बिगर क्यूब में ये 24 जैसा रहता है, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास करेगा आउटसाइड की तरफ वो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। ये कैसे पता चला? इसके लिए आप बिगर क्यूब बना लीजिए, उसमें ऐसे 24 फेसेस होते हैं, इससे फ्लक्स कितना बाहर जा रहा होगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। बैक साइड से पीछे कितना जा रहा होगा, उधर उधर भी क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इन थ्री का कुमुलेटिव कितना होगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा इनमें जो फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा आ कहाँ से रहा होगा, फील्ड लाइंस को इमेजिन करो, फील्ड लाइंस टॉप सरफेस को पहले पेनेट्रेट करेंगी फिर इधर से निकलेंगी, इस सरफेस को पेनेट्रेट करेंगी फिर इधर से निकलेंगी, और कुछ इसको इधर से पेनेट्रेट करके इस वाले सरफेस से बाहर जाएंगी, सिमिलरली बैक वाले सरफेस से बाहर जा रहे होंगे। सो देयर आर थ्री सर्फेसिस जहाँ से एंट्री हो रहा है, थ्री सर्फेसिस है जहाँ से एग्जिट हो रहा है, इक्वल इक्वल है। तो सिमेट्री से आप कह सकते हो कि एक फेस जो एग्जिट कराता है दूसरा फेस उतना ही एंट्री कराता है। तो इनका जो एंट्री वाला वर्जन भी होगा, टॉप का और फ्रंट का और साइड वाला, तो हम ऐसा बोलेंगे फेस फ्रॉम टॉप सरफेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, एंट्री कर रहा है माइनस कितना कर रहा है, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। यह फेस को अर्थमैटिक लगा के सॉल्व कर लो। अर्थमैटिक से कैसे सॉल्व करना है कि इन तीनों का सम बराबर बराबर आएगा तो इतना हो जाएगा, फिर इन तीनों का सम उतना ही होना चाहिए क्योंकि टोटल कितना है, और फिर इनके इक्वल कंट्रीब्यूशन होंगे तो फिर आप 1/3 ऑफ 1/8 कर सकते हो। तो ये तो जस्ट आउटसाइड करने से एंटायर जीरो हो गया, टॉप सरफेस से अभी फ्लक्स इनसाइड जा रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा, बाकी थ्री का मैंने आपको दिखा दिया है जस्ट आउटसाइड करने का। अगर आपसे जस्ट इनसाइड किया जाता तो टोटल कितना हो जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर सेम अमाउंट का इनसे भी निकलना स्टार्ट हो जाता। सो आप जस्ट इनसाइड का घर पे ट्राई कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, ये अनचेंज रहेंगे और यही आंसर इससे आएगा, यानी उस केस में सभी फेसेस से बराबर बराबर चल रहा होगा जस्ट इनसाइड रखने पर। जैसा अभी आपने शेल में देखा था, हेमिस्फेरिकल शेल में, एग्जैक्टली यहाँ पर भी स्टोरी चल सकती है। सो तीनों फेस यानी सभी फेसेस से आपको पता चल गया, बेसिकली तीन ब्रॉड ग्रुप हैं, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है और तीसरा टोटल है। डू वी राइट द माइनस साइन इन द आंसर? यस वी नीड टू राइट द माइनस साइन बिकॉज माइनस विल लेट अस नो कि वो इनसाइड जा रहे हैं, तो आंसर में अपने को माइनस लिखना है। या फिर ऐसा बोलेंगे कि इन गोइंग है, तो अपना आंसर कैसे दे सकते हैं, अगर आपको केवल वैल्यू देनी है तो फिर ये देना होगा, या फिर ऐसा बोलेंगे क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट इज इन गोइंग फ्लक्स। जिस तरह से हम लोग डायरेक्शन बताते हैं ना कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से ये हो गया, और आई कैप जे कैप लगा देते हैं तो फिर वहां पे चला जाता है। हालांकि ये वेक्टर नहीं है बट इस पे अपने को ये बताना होता है कि वो इनसाइड है आउटसाइड है, तो इसमें जो माइनस साइन है वो बेसिकली इन गोइंग और आउटसाइड आउट गोइंग के लिए यूज किया जाता है। सो आंसर में आपको साइन के साथ लिखना है या फिर लैंग्वेज के साथ लिखना है। जब आप लैंग्वेज यूज कर रहे होगे तो फिर माइनस साइन नहीं लगाओगे क्योंकि माइनस का मतलब लैंग्वेज है।
और अगर बॉटम से पूछा जाए तो हम बोलेंगे क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, आपने इतना लिख दिया तो वो समझ जाएगा कि आउटगोइंग है, और या फिर आप लिखोगे दिस इज आउटगोइंग। तो जनरली क्यूब और हेमिस्फीयर के पॉपुलर एग्जांपल बनते हैं, सिमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी और भी केसेस आएंगे तो आप सिमेट्रिकली उसको यूज करेंगे और अपने आंसर्स बता देंगे। एक दो क्वेश्चंस को और भी ट्राई कर लेते हैं। कई बार क्या करता है, वो फील्ड आपको देगा और आपसे पूछेगा कि कितना फ्लक्स जा रहा है। ये आईटी में आ भी चुका है, तो जो आईटी में आया उसको सेकंड वाला देते हैं, उससे पहले एक सिमिलर टाइप का प्रैक्टिस करा देते हैं सो दैट यू कैन। सपोज कर लीजिए आपसे बोलते हैं कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, तो आपको चार्ज नहीं दे रहा, वो फील्ड दे दे रहा है। फील्ड इज यूनिफॉर्म बोलेगा तो अपने लिए लाइफ और भी आसान रहती है। फिर आपसे बोलता है कि आप एक सरफेस चूज करो, आपको जो सरफेस बताया जा रहा है वो ये, इसको मैं डिजाइन कर देता हूँ प्रॉपरली, ये कुछ ऐसा है सिलेंडर। फील्ड हर जगह, केवल जितना दिखाया उतना नहीं, वो हर लोकेशन पर है सिमेट्रिकल। मोर ओवर इसके इस साइड वाले फेस पर हम हेमिस्फीयर लगा देते हैं, रफली फिगर दिखाया गया, बाकी आप समझ में आ जा रहा होगा। ये हेमिस्फीयर है और ये सिलेंडर है, उसको मिलाकर कैसे एक सरफेस बना दिया गया। फील्ड इस तरह से दिखाई गई है, रेडियस वगैरह आपको दे देगा कि इसकी जो रेडियस है, लेट्स से दिस रेडियाई, तो वो दोनों के लिए काम कर जाएगी, रेडियस आर। तो सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर लिख देता हूँ, अगर दिखना समझ में ना आए तो दिस विल बी नोन एज सिलेंडर, दिस इज हेमिस्फीयर, सरफेस है तो अपने को सॉलिड और वो हॉलो जैसी बातें नहीं करनी है, सरफेस केवल कंसिडर कर रहे हम लोग। क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू, पहला पार्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, और सिंपली सिलेंडर ही बोल सकते थे क्योंकि सिलेंडर जब हम लोग लेते हैं तो फिर ये इसका फेस बोला ना जाए तो मानते भी नहीं। सो हाउ मच फील्ड, हाउ मच दिस फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सो आई एम गेटिंग अ जीरो एज एन आंसर। तो अब बोलोगे कि ठीक है, फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, ई डॉट डी एस लगा देंगे, ई हमारा यूनिफॉर्म है। अब देखो जब कभी ई यूनिफॉर्म रहेगा तो फिर हमारे लिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ई यूनिफॉर्म होगा तो उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर डी एस कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। जब कभी ई यूनिफॉर्म होगा तो उसको ई को बाहर निकाला जा सकता है, थीटा कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर कॉस थीटा को भी बाहर निकाला जा सकता है, फिर वो ई ए और ई एस कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, या फिर थीटा हमारा वेरिएबल हो सकता है, थीटा के बारे में चेक करना है क्या होने वाला है। सो कहीं भी सरफेस पर आप एक एलिमेंट कंसिडर करोगे तो आप पाओगे कि ये इस तरह से जाएगा डी एस, सो वो रेडियली आउटवर्ड जा रहा होगा और ये इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो जो फील्ड है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएगी और डी एस हमेशा रेडियल रहेगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 रहने वाला है। सिंस एंगल 90 रहने वाला है तो कॉस 90 हो जाएगा, ये सारी चीज को जीरो कर देगा मैथमेटिकली। विजुलाइजेशन में कैसे देख सकते हो कि जो फील्ड लाइन है वो टेंजेंट पे जाएगी, अगर जो सरफेस को टच करते हुए जाएगी तो टेंजेंट पे जाएगी, और या फिर अंदर से जाएगी, कोई भी इस कर्व्ड सरफेस को कट करके नहीं जाएगी। सो अगर ये पेनेट्रेट नहीं कर रहा है सो देयर इज नो फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू, सो जीरो हो जाएगा। सो आप विजुलाइज करके भी डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, जीरो हो जाएगा। दूसरा, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और सिंपली हेमिस्फीयर,
हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस है उससे कितना फ्लक्स जाएगा ये अपने को पता करना है। अब आप जब इसकी फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करोगे तब पाओगे कि यस कर्व सरफेस को ये कट कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे तो जीरो वाला ऑप्शन प्रेफर नहीं करेंगे, जीरो इनफैक्ट लगाएंगे भी नहीं। फिर आप देखोगे जो फील्ड लाइंस हेमिस्फीयर को कट कर रहे हैं, हेमिस्फीयर के सरफेस को कट कर रहे हैं, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन में जाओगे तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स ज्यादा लगेगी। पहला प्रायोरिटी हम लोग देखते हैं किसको, अगर सिमिट्री वर्क कर रही है तो क्या हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस इस सिलेंडर के अंदर से गए थे, वट एवर द फील्ड लाइंस विच हैज गोन इनसाइड दिस थ्रू दिस इनसाइड सिलेंडर, दे ऑल हैज टू एग्जिट और क्रॉस दिस थिंग्स हेमिस्फीयर। तो जितना फ्लक्स इनसाइड जा रहा होगा सिलेंडर के वही बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब अगर हम ये सर्कुलर सरफेस ले लें, ये वाला सरफेस, तो अगर इस सर्कुलर सरफेस से जितना एंट्री करेगा उतना एग्जिट हेमिस्फीयर से करने वाला है। सो हम बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से एग्जिट करेगा। तो हम हेमिस्फीयर का नया निकाल करके सर्कल का निकाल सकते हैं और दोनों को बराबर कर सकते हैं। सो दिस फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस। और जब आप सर्कुलर सरफेस को इंटीग्रेट करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो डीएस लोगे वो बाहर ले लोगे, साइन का हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसका जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो फाइनली हम पॉजिटिव आंसर दे देंगे। तो जो भी डीएस आएगा वो डायरेक्शन में आएगा ई इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच के एंगल को हम जीरो ले लेंगे, यहाँ 180 है, साइन बदलना पड़ेगा तो हम जीरो ले सकते हैं। सो ये आ जाएगा अपने पास ई इंटू सरफेस एरिया, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ई बाहर निकल आएगा, कॉस थीटा हमारा 1 हो जाएगा, तो डीएस का इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। सिंपली हमारा आंसर क्या होगा, ई इंटू एस, ये यूनिफॉर्म केस में लिखते हैं, ई कितना दिया गया ई, एस कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हमारा आंसर क्या होगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी द फ्लक्स विच इज गोइंग टू पास थ्रू द कर्व सर्फेस और कमिंग आउट फ्रॉम द कर्व सर्फेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो पॉइंट इज कि कई बार क्या होता है किसी एक सर्फेस से आपसे पूछता है, उसका निकालना हमारे टफ होता है, तो हम उसको रिलेट कर लेते हैं कि जो फील्ड लाइंस आ रही हैं क्या किसी और सिंपल सरफेस से निकाल सकते हैं। इफ यस इट्स डन, अगर नहीं कर सकते तो फिर अपने को मैथमेटिक का ई डॉट डीएस तो करना ही करना है। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन उन्होंने एक बार एग्जाम में पूछा है, आईआईटी के एग्जाम में, और लेट्स सी कि आप उसका आंसर दे पाएंगे। उसने ऐसा बोला कि लेट्स अपने पास एक कोन है, यहाँ पे बेस लगा देता हूँ, उसका बेस लगा था कुछ ऐसा, एंड कुछ इंफॉर्मेशन उसने अपने को दे रखी थी कि जैसे इसकी रेडियस अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो रेडियस की वैल्यू आ रहे, और अगर आपको इसकी हाइट की जरूरत पड़ती है, आप जानते हो कि किसी कोन में रेडियस और हाइट मिल गया, इसका मतलब कोन के बारे में हमको सब कुछ पता चल गया, हम ये एंगल भी बता सकते हैं, स्लैंटेड लेंथ भी बता सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं। उसने बोला कि इसको आपने जो प्लेस किया है वो एक यूनिफॉर्म फील्ड पे रखा हुआ है, ये सरफेस है केवल, और एक यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर ई, दैट मीन्स हर लोकेशन पर ये रहेगा, ई की वैल्यू ई रहेगी। पहले मैं इसका एक सिंपल वर्जन पूछता हूँ, फिर वो क्वेश्चन पूछूंगा जो इसने पूछा। उसने बोला फाइंड flux through number a this cone, so entire cone से कितना flux जाएगा ये अपने को पता करना है। So what will be the flux passing through this entire cone, that means curved surface और ये circular surface सब भी आप add कर लो, तो इसमें basically दो answer हमारे हो सकते हैं, कर्व्ड से पूछा जा सकता है, सर्कुलर से भी पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे कि अगर कर्व्ड और सर्कुलर को हम लोग एक साथ रखते हैं ना, तो ये हमारा एक गॉसियन क्लोज सरफेस बन गया, गॉसियन क्लोज सरफेस बन गया, और एज पर द गॉस लॉ फ्लक्स
कोन से अगर अपने को निकालना है तो ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटरवल में करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू हम क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। कितना चार्ज इसके इनसाइड में? जीरो, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? जीरो। तो कौन से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना जाएगा और फ्लक्स सर्कुलर सरफेस से कितना जाएगा, उनका सम जीरो हो जाएगा। फिर आपसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है कि सर्कुलर से कितना जाएगा, कर्व से कितना जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते, कर्व से बताना तो जो फील्ड लाइन इंटर कर रही है वो एग्जिट करेगी, जो कर्व से इंटर करेगी वो कर्व से आउट करेगी, तो कर्व्ड का भी जीरो आएगा और सर्कुलर में तो टेंजेंशियली जाएगी तो सर्कुलर का भी जीरो आएगा। सो बोथ इंडिविजुअली आर जीरो और सम भी जीरो है। गुड। सो ये इंडिविजुअल भी जीरो है, ये भी हम बता सकते हैं। सो दिस इज आल्सो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, सो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट था। उसने पूछा है कि फाइंड फ्लक्स, इसको चेंज करना पड़ेगा तो मैं इसको रीफ्रेम कर देता हूं। फाइंड इन गोइंग फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस से इन गोइंग फ्लक्स कितना होगा ये अपने को पता करना है। ओके, एक आंसर ई एच आर बताया गया, वी नीड टू चेक इट। सो अगर आप इसको ट्राई करोगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और तो आप देखोगे कि इन गोइंग फ्लक्स के लिए फील्ड लाइन्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा होगा, तो इन गोइंग फ्लक्स तो जीरो नहीं होगा, टोटल कर्व्ड का जीरो है, यानी जितना इन गोइंग था उतना ही आउट गोइंग रहा होगा सेम अमाउंट का। मोर ओवर ये कोन है, थ्री डायमेंशनल है, तो आप देखोगे कि अगर डीएस हम यहाँ पर लेते हैं तो ये प्लेन पे दिख रहा है, बाकी थोड़ा सा अगर हम बाहर की तरफ आएंगे तो डीएस अपने डायरेक्शन बदलेगा। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग कैलकुलेशन जाने वाली है। कैलकुलेशन अगर हमारी चैलेंजिंग होगी तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे इन गोइंग फ्लक्स को? सो फिर आपको कुछ आइडिया निकालना होगा, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमको कर्व सरफेस से निकालना था हेमिस्फीयर से, लेकिन मैंने इसे फ्लैट से निकाल लिया। फ्लैट सरफेस यूज करने में फायदा क्या होता है, ई डॉट डीएस सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहता है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या कर सकते हैं हम अगर इमेजिन करें कि जो फील्ड लाइन्स इंटर कर रहा है वो एग्जिट कर रहा है, ये तो हमारे इमेजिनेशन में आता है। अगर हम एक ऐसा सरफेस चूज करते हैं, लेट्स एक सरफेस यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ जो कि इसके डायमीटर से होके जाता है और यहाँ पे स्लैंट हाइट के पर अलॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे स्लैंट हाइट के या लेंथ के बराबर चल रहा है, देखने में छोटा लगा क्योंकि थ्री डायमेंशनल है। ये एक एरिया होगा, ये बेसिकली कोन को आप क्या करो, स्लाइस कर दो, बीच से कट कर दो, तो एक ट्राइंगुलर टाइप का फेस नजर आने वाला आपको आने वाला है। सो कैन बी से कि जितना फील्ड लाइंस इंटर करेगा वो सारा का सारा फील्ड लाइंस इसको जरूर क्रॉस कर रहा होगा, फिर वो बाहर निकल रहा होगा। तो अगर हम इनगोइंग निकालना चाहते हैं या आउटगोइंग निकालना चाहते हैं, वो सारा का सारा इस अमाउंट के बराबर होगा। सो बाय स्लाइसिंग इट यू कैन फाइंड अ ट्राइंगल विच इज गोइंग टू हैव अ प्लेन सर्फेस, जिसका हमको इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्लक्स अपने को निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी फ्लक्स थ्रू द ट्राइंगल इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल। और एक बार आपने ये इमेजिनेशन में रख लिया, लाइफ आसान हो जाएगी। कैसा बोलेंगे कि देन वी विल से कि ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, ई डॉट डी एस होगा, ई डॉट डी एस, जब कभी प्लेन सर्फेसिस होते हैं तो फिर ये ई एस कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। कॉस थीटा देखोगे इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन, डीएस की डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन सेम जा रही होगी, तो थीटा की वैल्यू हम जीरो ले लेंगे, तो ये बनेगा ई इंटू सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। नाउ ई इज ई, कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट? अगर उसका हमने को एरिया निकालना है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस which is 2r into height which is h.
सो अवर आंसर विल कम ई आर एच, इसके बराबर होगी, उसने चारों दिए थे, ई आर एच, टू ई आर एच, हाफ ई आर एच, नन ऑफ दीज और समथिंग लाइक दैट, हम पता कर सकते हैं. सो पॉइंट इज कि अगर कोई हमको ज्योमेट्री दिया जाए तो उसमें से अगर हम कोई सिंपल वे भी सिंपल सरफेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहां से भी सॉल्व करके बता सकते हैं. अदरवाइज हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो हमेशा रहेगा. आपने पूछा कैन वी डू दिस ऑलवेज, यस वी कैन ऑलवेज डू, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट कर रहा होता है. अगर आप ये इंश्योर कर देते हैं कि जितना फील्ड लाइंस एक सरफेस से जा रहा है उतना दूसरे से जा रहा है, तो दोनों के फ्लक्स बराबर होंगे मैग्नीट्यूड वाइज. बात रही है कि किसमें इन गोइंग है आउट गोइंग है, उसको देख करके प्लस माइनस लगा देंगे. इसने बोला इन गोइंग बताना है, इसको ना मैग्नीट्यूड बताना है. अगर पूछा गया होता है कि मतलब साइन के साथ बोलना होगा तो फिर हम साइन के साथ बोल सकते हैं. इन गोइंग बोल दिया तो अपने को साइन पता चल जाएगा. सो आप हमेशा इस बात को यूज कर सकते हो कि अगर फील्ड लाइंस एक सरफेस से और दूसरे सरफेस से आप इंश्योर कर सकते हो बराबर जा रहे हैं तो अपना आंसर आ जाएगा. मेकिंग सेंस? अगर आपको ये सेंस बना रहे हैं तो इस एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इसी में स्लाइड वेरिएशन करके, ये एग्जाम में पूछा गया था, स्लाइड वेरिएशन करके, और आप उसका भी आंसर दे दोगे तो आपको जो फील्ड लाइंस कैसे जा रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, वो विजुलाइजेशन और बढ़ जाएगा. अपने को उसी को बढ़ाना, एक बार आप विजुलाइजेशन बढ़ा लेते हो थ्री डायमेंशनल फील्ड लाइंस का मूवमेंट डायरेक्शन, तो फ्लक्स बहुत ईजी चैप्टर होता है, टॉपिक होता है, और उसका क्वेश्चन आप इजिली पकड़ करके आंसर दे देते हो. सेम सिचुएशन को मैं रिपीट करता हूँ विद माइनर चेंजेस. लेट्स से कि आपसे बोलता है कि एक ये कोन है जिसके डायमेंशंस वगैरह अपने को दिए हैं एज द प्रीवियस केस. एंड इट वॉज गिवन कि उसकी हाइट अपने को पता है, वो हाइट दे, एंगल दे दे या फिर स्लेंट हाइट दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग कन्वर्ट करना जानते हैं. इसने बोला है कि जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं है. फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से है. दे आर मेकिंग सर्टेन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, जहां से भी एंगल देगा आप लोग हॉरिजॉन्टल से कैच कर रहे हैं. ये ई है और ये यूनिफॉर्म है, हालांकि दिख भी रहा है कि यूनिफॉर्म है, मैं लिख भी देता हूँ यूनिफॉर्म है. ड्रॉ कर लीजिए. अपने को पता करना है फाइंड इन गोइंग फ्लक्स, क्वेश्चन भी वही है, थ्रू दी कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन. सो कोन के कर्व सरफेस से हाउ मच फ्लक्स विल बी इंटरिंग इन, वी नीड टू कैलकुलेट दैट. सर वो टेन अल्फा आर बाय एच है. नहीं नहीं ये अल्फा अलग है, इसके इससे कोई कनेक्शन नहीं. अगर अल्फा इशू बना रहा हो तो बीटा लिख सकते हैं. ई एच आर कॉस अल्फा, ई एच आर कॉस अल्फा आप आंसर दे रहे हो. ओके सभी लोग एक ही आंसर दे रहे हैं, चलता है. हम लोग वेरीफाई करते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या चेंजेस आएंगे, और अगर चेंजेस जो आ रहे हैं उनको फिर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे. एनीवे सो ये अल्फा का एच आर से कोई रिलेशन नहीं है, इस कोन के सेमी वर्टिकल एंगल से, वर्टेक्स एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, दिस इज जस्ट अनदर एंगल. सो आप इमेजिन करो कि जो फील्ड लाइंस हैं वो इसको पेनेट्रेट करके जाने वाले हैं ऐसा. अब ये इसको जब आप विजुलाइज करोगे तो आपको कुछ रियलाइजेशन आएगा कि जो ट्राइंगल आपने कैच किया था पिछली बार, क्या वो ट्राइंगल सफिशिएंट है?
क्या जितनी भी फील्ड लाइंस एंट्री ले रहे हैं क्या सारे के सारे उस ट्राइंगल से क्रॉस कर रहे हैं? यू विल फाइंड कि ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आपको ये लास्ट वाली फील्ड लाइन नजर आ रही होगी, ये एंटर तो कर रही है लेकिन उस ट्राइंगल से पास नहीं हो रही होगी जो ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया था। नॉट ओनली दिस, देर कैन बी मैनी फील्ड लाइन्स लाइक दिस। सो अगर हम ट्राइंगल से इक्वेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कम फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे जबकि कर्व सरफेस से ज़्यादा फ्लक्स जा रहा होगा। बिकॉज क्योंकि जो वो ट्राइंगल स्लाइस करने के बाद जो ट्राइंगल बनने वाला है दैट विल बी काउंटिंग लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स विच आर कमिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस। देर आर सर्टेन फील्ड लाइन्स विच आर नॉट पासिंग थ्रू द ट्राइंगुलर सरफेस। दैट इज वॉट यू कैन थिंक ऑफ। अगर आप वो समझ पाते हो तो अपने को लगेगा कि कुछ और भी करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो शायद वो केवल ट्राइंगुलर वाले पोर्शन का आंसर दिया है। लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे क्योंकि वो ट्राइंगल हमारे लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं दे पाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को क्रिएट कर लेते हैं। और इसका जितना यूज आएगा उसके यूज को हम लोग उसको यूज को कंसिडर करेंगे, यूजफुलनेस को, बाकी और भी कहानियां देखेंगे। अच्छा एक बात तो गारंटीड है, ये जो फील्ड लाइंस हैं जितनी एंटर करने वाली हैं वो या तो ये ट्राइंगुलर फेस से जा रहे होंगे या फिर ये सर्कुलर फेस से जा रहे होंगे। हाफ ऑफ द सर्कल वाला पार्ट, हाफ ऑफ द सर्कल वाला पार्ट। आइदर दे आर क्रॉसिंग द सेमी सर्कल और दे आर क्रॉसिंग द ट्राइंगुलर सर्कल। इफ वी एड द टू टुगेदर यू विल बी काउंटिंग ऑल द फील्ड लाइंस विच आर एंटरिंग थ्रू द कर्व सर्फेस। अगर ये बात आपको समझता है तो अपना काम हो जाएगा और वो आपको समझना होगा। सो ये जो सेमी सर्कल का एरिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बोलेंगे अपने सोल्यूशन में कुछ ऐसा लिख लीजिए, काम हो जाएगा। क्या लिखना है? फ्लक्स इज इक्वल टू जो अपने को डिजायर्ड फ्लक्स है उसकी वैल्यू आएगी फ्लक्स थ्रू ट्राइंगल प्लस फ्लक्स थ्रू सेमी सर्कल। कौन सा सेमी सर्कल? वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। नाउ हाउ टू फाइंड दिस वैल्यूज बाय द वे, इनको पता करने के लिए फिर हम लोग वेक्टर को यूज कर सकते हैं, ई डॉट डीएस कर सकते हैं, जो भी हम लोग जानते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि इस फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक फील्ड इधर दूसरा फील्ड इधर। ये जो फील्ड आएगी वो ई कॉस अल्फा बना रही होगी, ये फील्ड क्या बना रही है? ई साइन अल्फा। तो ये जो फील्ड आएगी वो इसको क्रॉस कर रही होगी और ये साइन अल्फा वाली फील्ड इसको क्रॉस कर रही होगी, या फिर ई डॉट डीएस जो भी आप जानते हो। तो ये इसके डीएस के साथ वैल्यू बनाएगी, ये जीरो बनाएगी। इसके डीएस के साथ आप जाओगे तो फिर ये जीरो बनाएगी, ये वैल्यू बनाएगी। सो अपने को पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा? इज इक्वल टू ट्राइंगल से क्या आएगा? इट्स गोइंग टू बी ई ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टू कॉस अल्फा प्लस ई साइन अल्फा into area of circle। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। सो बेसिकली ये बनेगा e cos alpha, ट्राइंगल के एरिया हम लोगों ने देखा था हाफ बेस into हाइट। फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड e sin alpha, सेमी सर्कल के एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर बाई टू। दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो अपने पास क्या आंसर बन जा रहा है? एक बन जा रहा है ई आर एच कॉस अल्फा प्लस पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू ई साइन अल्फा। ये थोड़ा सा जनरल केस हो गया, आप इसको प्रीवियस वाले से कंपेयर कर सकते हो। अगर अल्फा को जीरो कर दोगे तो आपको प्रीवियस केस का आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। सो प्रीवियस केस का आंसर बन जाएगा अल्फा को जीरो करोगे ये वाला टर्म डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल से फिर जाने वाली फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी, ये बच जाएगा। अब आप 90 डिग्री वाला केस भी देख सकते हो। अगर अल्फा को 90 डिग्री कर दोगे तो आप देखोगे जो स्लाइस वाला है वो मैटर ही नहीं करेगा। आपसे ये पूछ सकता है कि फील्ड लाइन्स हमारी ऐसी एग्जिस्ट कर रही है, बताइए कितना फ्लक्स जाएगा कर्व सरफेस से? तो हम बोलेंगे वही जाएगा जो बॉटम सरफेस से जाएगा। टोटल पूछेगा तो टोटल बता देंगे,
एक साइड का पूछेगा तो एक साइड का बता देंगे, अभी हम लोग एक साइड की बात कर रहे थे क्योंकि इन गोइंग बताना था। 90 डिग्री में अपने ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि 90 डिग्री में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा, तो ये सेमी सर्कल जो मैंने अभी कंसिडर नहीं किया वो भी रोल प्ले करेगा। समझ में आ गया होगा, आपका डाउट आ रहा है क्यों सेमी सर्कल है, कोई बताएगा क्यों सेमी सर्कल है? सर अगर फुल सर्कल रहेगा तो ऑलरेडी दो बार काउंट हो जाएंगे, वो एक ट्रायंगल में काउंट हो जाएंगे और एक राइट साइड वाले सेमी सर्कल में। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हमने इस फील्ड लाइन को देखा मेबी लाइक दिस वाली को, तो वो हमने ट्रायंगल पे तो काउंट कर लिया है, सर्कल पे काउंट करेंगे तो ट्वाइस काउंटिंग हो जाएगी, तो हमको कोई दूसरा वैल्यू मिलेगा जिसमें हम इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, इसलिए दूसरा वाला सर्कल सेमी सर्कल वाला पोर्शन अपने को हटाने का। फर्स्ट क्यों काउंट करने का? क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड लाइंस हैं जो कर्व सरफेस से जा रही हैं लेकिन ट्राइंगल से नहीं जा रही हैं, तो किससे जा रहे हैं? सिक फर्स्ट ऑफ द सेमी सर्कल से जा रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो फ्लक्स के बारे में और गॉस लॉ का एप्लीकेशन के बारे में आज हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में गॉस लॉ का एक दो एप्लीकेशन हम लोग फील्ड कैलकुलेशन में भी यूज कर लेंगे बाय सम वन और टू एग्जांपल, तो ये गॉस लॉ अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर जो बॉडी हम लोग लेते हैं वो कंडक्टिंग बॉडी हो तो कैसे बिहेव करती है, कैसे चार्जेस उस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड ऑल दैट स्टोरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टोरी। सो आपके जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा दैट विल बी अप टू दिस गॉस लॉ। So whatever we have understood till now, or maybe one or two example of the next class, वहाँ तक का exam का syllabus रहेगा। Okay, so that's all for the day. कोई question query हो तो आप quickly पूछ सकते हो। Otherwise, we are done with.